बाइक में करियर बनाओ या फिर व्यायाम में करियर बनाओ, आपको साइड में जाना चाहिए तो आपको भीम में जाना चाहिए। आज इनका कंपैरिजन करेंगे तो मेरे सामने दो सिनेरियो में है यहाँ पर, साइड और भीम। आज कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कस्टमर और आप देख रहे हैं सेल्फ यूनिक। गाइस आप में से बहुत से बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं साइड में करियर बनाऊं या फिर व्यायाम में करियर बनाऊं। तो मेरे सामने दो सिनेरियो में है यहाँ पर, साइड और भीम। आज इनका कंपैरिजन करेंगे, आपको साइड में जाना चाहिए कि आपको भीम में जाना चाहिए। गाइस आप सभी को पता है कि साइट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप ऑन साइट आप एग्जीक्यूट करवाओगे। ये भाई साहब एक्स है जो कि साइट इंजीनियर है, ठीक है, जो कि साइट पर काम करते हैं। अब एक भाई साहब ये है जो कि अभी अभी जस्ट ना भीम का फॉर्म ज्वाइन किया हुआ है, तो ये व्यायाम में काम कर रहे हैं। तो मुझे किस में जाना चाहिए, मीन्स आपको किस में जाना चाहिए? तो गाइस सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपको ऑफिस जॉब चाहिए या फिर आपको ऑन फील्ड जॉब चाहिए। अगर ऑन फील्ड जॉब चाहिए तो साइट इंजीनियरिंग आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप साइट पर खड़े होकर आराम से काम करा सकते हो। कुछ लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है, दे कैन डू दैट। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए, मैं ऑफिस में 9 to 9 o'clock पे जाऊं और 6 o'clock पे मेरा छुट्टी हो जाए जिससे मैं घर पे आ सकूं, फैमिली को टाइम दे सकूं, और इस तरीके का अगर आपका सिनेरियो है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भीम में करियर बनाएं। साइट इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ये डिफिकल्टीज होती है गाइस, क्योंकि वहां पर वर्क का एक होता है कि अभी वर्क कंप्लीट करके देना है, तो उनको डेडलाइन की वजह से कभी कभी स्लैब की कास्टिंग हो रही तो रात को रुकना पड़ जाता है कई देर तक। फिक्स नहीं होता कि कितने बजे निकलना है, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग आपको वहां पर रुकना पड़ सकता है। तो साइट पर ये सारी चीजें भी रहती है। बट बीम में क्या होता है कि बीम में आपको एक ऑफिस जॉब है, तो आपको 9 to 6 पंचिंग किया, पंच आउट किया। और सबसे बड़ी बात यह गाइस कि बीम मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। रीजन उसका यह है गाइस कि हम यहाँ पर बैठे हुए भाई साहब, और मान लीजिए ये यूएस के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूएस के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो कंपनी यूएस से प्रोजेक्ट ला रही है उसका इनकम ग्रोथ अच्छा होगा, तो इनको पे आउट अच्छा करेगी। लेकिन अगर बात करें कि हम साइट पर काम कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है साइट होगा तो हमारे यहाँ का ही होगा। हम यूएस का साइट यहाँ से बैठ के नहीं हैंडल कर सकते, वी नीड टू गो देयर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीएम 360 से कनेक्ट है, आपका एक ब्रांच वहाँ एक ब्रांच यहाँ है, आराम से वर्क कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, मैं इसको पसंद करता हूँ कि आप बीम में अपने करियर को अगर बनाना चाहते हो। और बीम में एक और फायदा है गाइस, बीम में सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। मीन्स आप 3.6 से तो समझ लीजिए कि आपका स्टार्ट हो जाता है लगभग, और इसके बाद 4.2, 4.8, उसके बाद और भी आगे के पैकेज जल्दी जल्दी लगते हैं। साइट में क्या होता है, साइट में गाइस अभी साइट इंजीनियर की एक फिक्स सैलरी है, उसके आगे साइट इंजीनियर की सैलरी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 15,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 15, 20, 25, 30 यहाँ तक तो बढ़ता है, इसके बाद धीरे धीरे 32, 33, 36 इस तरीके से मीन्स धीरे धीरे इंक्रीमेंट होने लगता है। इसलिए मुझे प्रैक्टिकली जो साइट इंजीनियरिंग वर्क है वो थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमी वैसे भी इंसान कमजोर हो जाता है, टाइमिंग से कमजोर हो जाता है, क्योंकि साइट तो हमेशा आउटर में चलेगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर आपके आउटर सिटीज़ में होते हैं, तो वहाँ से फैमिली को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे पास काफ़ी ढेर सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी साइट पर हैं, 6 साल 5 साल से साइट पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है इस पर आगे कंटिन्यू करना समझदारी नहीं होगा, तो अभी अपने करियर को भीम के अंदर लेके आ रहे हैं। पर समस्या क्या होती है गाइस, एक बार अगर आप साइट वाले रास्ते पर गए फिर बैक आए फिर भीम वाले रास्ते में गए, तो आपका जो समय का लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए, 9 to 6 का जॉब चाहिए, यूएस के प्रोजेक्ट करने, कनाडा के प्रोजेक्ट करना है, जापान का प्रोजेक्ट करने हैं, तो आपको वर्किंग का प्रोजेक्ट करना है, ऐसे जगहों पर काम करना है अगर आपको, तो क्या बोलते हैं आप भीम को चूज़ करें, ठीक है। इसमें कई ढेर सारी कंपनी है, जैसे कि रैम्बॉल इंडिया है, ठीक है, कोवी इंडिया है, ठीक है, उसके बाद जो कैप्स है और एई कॉम है, ठीक है, वर्किन आर्किटेक्ट है, वी कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, और WSP है, ऐसे कई ढेर सारे फॉर्म है जो कि भीम के अंदर काम करते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो ambition.com पे चले जाना, वहां पर आपको इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आप देखिए ambition.com पे अगर आपको जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको रिसर्च दिखा देता हूँ जो मैंने किया इसके ऊपर, कि ऑन एन एवरेज आपकी क्या सैलरी हो जाती है गाइस इसके अंदर, ठीक है। मुझे लगता है अभी दिख नहीं रहा, हाँ ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक एवरेज सैलरी क्या है, क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि सैलरी, सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज, तो हमें क्या चाहिए गाइस, सैलरी। तो अगर हम देखें कि बीम की एक एवरेज सैलरी क्या है गाइस, तो बीम में एक एवरेज सैलरी जो है वो 4.8 है, जिसका आप हाईएस्ट कहां तक जा सकते हैं, 8.5 तक। ये मैं एक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीम मॉड्यूलर प्रोफाइल की।
और अगर मैं साइट इंजीनियर प्रोफाइल की बात करूँ तो उसका एक एवरेज सैलरी होता है गाइस 3.5 और मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं 5.5 लाख तक जा सकते हैं। इसमें आप कहाँ तक जा सकते हो 8.5 लाख तक। अच्छी चीज क्या होती है गाइस बीम के अंदर कि बीम में आप बीम अभी मॉड्यूलर हो, मॉड्यूलर के बाद इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर के बाद कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, कोऑर्डिनेटर के बाद बीम मैनेजर बन सकते हो। मींस आपका ग्रोथ बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपका पैकेज मींस प्रोफाइल बढ़ता है वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता जाता है। तो ये थे कुछ डिफरेंस। होप अभी डिसाइड करने में आपके लिए आसान हो गया होगा कि मुझे साइट पर वर्क करना है या फिर बीम में वर्क करना है। वैसे ये साइट काफी अच्छी है, आप लोग वैसे नॉर्मल यूज भी कर सकते हैं ambition.com। यहाँ से आप एवरेज सैलरी, क्वेश्चंस, कंपनी के रिव्यूज, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट कि मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में, साइट इंजीनियर की कौन कौन सी कंपनी है, टीम की कौन कौन सी कंपनी है, किस सिटी में कौन सी कंपनी है, तो ambition.com को आप रिकमेंड करिए, काफ़ी बेहतरीन है। हम सभी प्रोफेशनल्स वहाँ उसको यूज करते हैं और वहाँ से देखते हैं कई चीज़ों को, तो आप भी उसको यूज कर सकते हो, आप बेनिफिट पा सकते हैं। होप क्लियर हो गया होगा कि बीम में काम करना है या फिर साइट पर काम करना है। अब अपनी प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी के बेस पर जज करिए अपने आप को कि मेरे लिए क्या बेटर है। हाँ, बीम में काम करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। बीम क्या होता है गाइस, बीम के अंदर आपके अंदर एक इमेजिनेशन अच्छी वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीम के अंदर वो काम करना है जो ऑन साइट काम होने वाला है, उस काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना है, तो इसके लिए आपके एक इमेजिनेशन का एक ब्रॉड माइंड सेट होगा, तो आप बीम के अंदर अच्छा करियर बना सकते हैं। ये है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक में अर्जन किया हुआ है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको साइट इंजीनियर जॉब ज्यादा अच्छी लगती है या फिर ऑफिशियल जॉब ज्यादा अच्छी लगती है। कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चले, जय हिंद, जय भारत।